इन दिनों महाराष्ट्र में चोरी की वारदातों में काफी वृद्धि हुई है, जिससे प्रतीत हो रहा है कि चोरों को पुलिस का भय बिल्कुल भी नहीं रहा। यही वजह है कि उल्लासनगर में एक साथ 5 मोबाइल दुकानों को चोरों ने अपना निशाना बनाया। राज्य में आए दिन हो रही चोरी की वारदातों से फडणवीस सरकार के गृह विभाग पर सवालिया निशान लगा दिए है और पुलिस की नींद हराम कर दी है। ऐसे में उल्लासनगर के शिवाजी महाराज चौक में मोबाइल शॉप में हुई चोरी की वारदात ने पुलिस के होश उड़ा दिए है। सोमवार की रात चोरों ने मोबाइल की दुकान से एक दो नहीं बल्कि करीबन 50 से 60 लाख रुपयों के मोबाइल फोन की चोरी की है। इन चोरों ने केवल एक ही दुकान को नहीं बल्कि 5 दुकानों को अपना निशाना बनाया है। इसी बीच चोरी की खबर मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और पुलिस ने सभी दुकानों का जायजा लेते हुए तहकीकात करना शुरू किया। इस दौरान उल्लासनगर के पूर्व विधायक कुमार एलोनी भी घटनास्थल पर दाखिल हुए थे। हालांकि इस मामले में पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद ही पता चलेगा कि इतनी बड़ी चोरी की वारदात के गुनहगार कौन है। बहरहाल पुलिस अब अपने तहकीकात की आगे की दिशा तय कर रही है। इस दौरान सभी दुकानदारों ने इस चोरी की शिकायत कर चोरी की एफआईआर दर्ज कराई है, परंतु इस तरह की घटनाओं से एक बात साफ हो जाती है कि चोरों को पुलिस का भय अब जरा भी नहीं रहा। इस विषय पर उल्लासनगर के पूर्व विधायक कुमार एलोनी ने इस मामले में पुलिस द्वारा कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। बहुत दुख की बात है जो आज शिवाजी चौक जो हमारे उल्लासनगर का एक नाक है, जो एक बड़ा चौराया है, जहाँ से कल्याण अंबरनाथ रोड मेन हाईवे, वहाँ पे साउंडा म्यूजिक करके जो मोबाइल का बिजनेस करते हैं हमारे लाली गेमानी जी, उनके दुकान पे 50 से 60 लाख रुपए की मोबाइल की चोरी हुई है। और सामने सामने रोड से शटर ऊपर करके कुछ चोर लोग अंदर घुसे हैं और मोबाइल के कवर वगैरह निकाल के एक एक मोबाइल वहाँ से निकाल के सब जमा करके और चोर निकल गए हैं। आज ये शिवाजी चौक पे हमेशा पुलिस की पॉइंट रहती है और साथ साथ में इसके शिवाजी चौक के आसपास में करीबन 8 से 10 दुकानदारों की इस महीने के अंदर चोरी हुई है। किसका कपड़ा चोरी हुआ, किसका प्लम्बिंग का, किसका कैश, किसका कैश ड्रावर खोल के, 2 महीना पहले फर्नीचर बाजार में भी 50 से 60 लाख रुपये तक चोरी हुई है। अभी वो काउंट करेंगे। देखिए चोर लोग ने ऐसा किया है कि सब कवर वगैरह 3 नंबर शिवाजी चौक जो एरिया है वो सेंट्रल पुलिस चौकी के अंडर में आती है। अभी अभी मैंने DCP साहब से बात की है और उनको बताया है कि ऐसा ऐसा यहाँ पे चोरी हुआ है। सब दुकानदारों को आक्रोश लगा पड़ा है, नहीं तो ये बोलते हैं बेमुद्दत हम बंद रखेंगे अगर पुलिस ने अगर ध्यान नहीं दिया। पुलिस में शिकायत करने के लिए जाते हैं, पुलिस उसकी परवाह नहीं करती है, उनको बोलती है बैठ जाओ बाद में लिखेंगे, या FIR लिखती भी है तो उसके पीछे इनका कहना है, ध्यान नहीं देते। मैं पुलिस डिपार्टमेंट को चेतावनी देता हूं कि ये जो चोरियां है वो सिलसिला बंद होना चाहिए। जितने भी चौराहे हैं पेट्रोलिंग होना चाहिए, वहां पे फिक्स पॉइंट होनी चाहिए, चारों तरफ दुकानदारों को सेफ्टी मिलेगी तो ही धंधा